अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन ट्रेवल विद जफर के साथ। तो आज आपके सामने हम जो व्लॉग लाने जा रहे हैं वो एक हमारी डेली रूटीन का व्लॉग है। आज हम विजिट करने जा रहे हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस। जैसा कि आप ये मेरे सेटअप को देख के एक अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मेरा ये सेटअप जो है ये किस चीज़ का बना हुआ है। बेसिकली मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ और दुबई में रहते हुए आपको पता है साथ साथ और भी काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए। तो अमेज़ॉन पे भी एक छोटा सा हमने एक स्टोर बनाया हुआ है और आज उसी की कुछ हमारा चाइना से माल आया था तो वो हम जो है वहाँ पे ड्रॉप करने जा रहे हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस। तो साथ साथ मैंने कहा कि चले एक व्लॉग भी बना लें, आपको दिखाएँ कि अमेज़ॉन का वेयर हाउस कैसा है और वहाँ पे किस तरीके से ये ड्रॉप शिपिंग होती है और किस तरीके से माल अपना वहाँ पे हम दिए जाते हैं। तो इसके हवाले से हमने कहा कि चलो आपके साथ हम अपनी एक डेली रूटीन भी शेयर करते हैं और माल भी हमारा आके पड़ा हुआ है तो वो अभी हम दोस्त के साथ में आज जा रहा हूँ। और मज़र जैसे कि आप जानते हैं मेरा दोस्त है और वो बस गाड़ी नहीं चला रहा है तो उसी गाड़ी में आज हम जाएँगे अमेज़ॉन के वेयर हाउस। तो हमारा ये जो माल आया हुआ है ये आज हम वहाँ पे जमा भी करवाएंगे और साथ साथ आपको आज के व्लॉग में हम एंटरटेन भी करेंगे। डेली का व्लॉग है ये हमारा, डेली रूटीन का, तो हमने सोचा कि आज क्यों ना इसको भी कैप्चर किया जाए। ये आ चुके हैं और ये गाड़ी में हमने, जैसे मैंने आपको बताया था मज़र के साथ मैं जा रहा हूँ तो इनकी गाड़ी में हम जा रहे हैं, ये गाड़ी में हमने रख दिए हैं अपना स्टॉक और हम चलते हैं अपने रास्ते की तरफ और आपको रास्ता भी एक्सप्लोर करवाएंगे। तो ये हम निकल चुके हैं अपने रास्ते की तरफ। जैसे कि हमने आपको बताया आज हम जा रहे हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस। जैसे कि आपको बताया था जैसे हम निकल रहे हैं, जगह थोड़ी सी दूर है। जैसे मैंने आपको बताया मैं अपने प्यारे दोस्त के साथ जा रहा हूँ मज़र के साथ, इसका भी माशाल्लाह व्लॉगिंग चैनल है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मेरा भाई बनाता है तो उसे भी आप विज़िट कीजिएगा। और दूसरा रास्ता हम आपको साथ साथ कैप्चर करवाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हम गुज़र रहे हैं एक जायद रोड से, जैसा कि हर वीडियो हर व्लॉग में मैं आपको ये रोड लाजमी दिखाता हूँ। ये है इतना खूबसूरत कि दिखाने का दिल करता है आपको। और माशाल्लाह इस रोड की खूबसूरती आप देख सकते हैं। ये स्ट्रेट टूवर्ड हम यहाँ से जा रहे हैं शेख जायद रोड से अमेज़ॉन के वेयर हाउस जो कि DXP5 में है। और साथ साथ हम आपको अमेज़ॉन पे पहुंच के वहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन्स भी देंगे उन लोगों के लिए कि जो लोग ऑलरेडी अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ डिटेल्स जो हैं हम इस व्लॉग में शेयर करेंगे ताकि उनको इस व्लॉग से जो फ़ायदा हमसे मुमकिन हो सके वो फ़ायदा उन्हें हो। तो चलिए आगे भी चलते हैं और साथ साथ आपको रास्ता भी एक्सप्लोर कराएंगे और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देंगे रिगार्डिंग अमेज़ॉन। हम करीब तो नहीं कहेंगे, तकरीबन आधे से ज़्यादा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है और ये अलसफ़ा से अभी हम आगे मॉल ऑफ एमिरेट्स को हमने क्रॉस कर लिया है और अमेज़ॉन के वेयर हाउस हम जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस भी दे दूँ कि अगर जैसे आपने स्टोर बनाया हुआ है अपना या बनाना चाह रहे हैं और पहला ऑर्डर अगर आप यहाँ पे देने जा रहे हैं तो इनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आता है कि शूज़ आपको पहने होने चाहिए और सेफ्टी जैकेट एक होती है, वो हम आपको पहुँच के पिक्चर्स में भी दिखा देंगे, वीडियो में दिखा देंगे, तो वो लाजमी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो जितनी मैक्सिमम हम इन्फॉर्मेशन दे सकें आपको देंगे। इसके अलावा अगर कोई और मालूम चाहिए हो तो आप कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। तकरीबन अपनी लोकेशन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। रोड से आइडिया हो रहा होगा आपको, ये तकरीबन हाईवे वाला रोड है और ये जबल अली का एरिया कहलाता है, जबल अली एरिया कहलाता है। और बस अभी कुछ ही देर में हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँचेंगे और वहाँ चल के भी आपको कुछ विजुअल्स दिखाएंगे। तो ये अल असायल स्ट्रीट के थ्रू हम अंदर जा रहे हैं, ये एग्ज़िट है एक यहाँ पर शेख मोहम्मद बिन राशिद रोड का, तो यहाँ से हम ये एग्ज़िट लेंगे और वहाँ जाएंगे। तो वहाँ पहुँच के हम आपसे रब्ता करते हैं। हम पहुँच चुके हैं अमेज़ॉन के बिल्कुल ही करीब, जैसा कि आप ये देख सकते हैं मैकडॉनल्ड्स वगैरह यहाँ बने हुए हैं। तो थोड़ी सी भूख लगी थी तो हमने कहा अमेज़ॉन पे पहुँचने से पहले थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लिया जाए। ये गाड़ी हमने अपनी यहाँ पार्क कर दी है तो अंदर चलते हैं, थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस। थोड़ी सी यहाँ बनी हुई है जैसे ये हर पेट्रोल पम्प के साथ बनी हुई होती है। तो यहाँ से मेरे दोस्त ने ये लिया है बॉइल्ड राइस और चिली चिकन और मैं खाऊंगा मैकडॉनल्ड्स। तो वो ज़रा डाइटिंग पे है तो इसलिए वो इस तरह का मील खा रहा है
और हम खाएंगे मैकडॉनल्ड्स। तो हल्की फुल्की सी भूख लगी हुई थी तो हमने मैकडॉनल्ड्स से इनका एक नया बर्गर आया हुआ है, ग्रैंड चिकन की ही वैरायटी में है, वो हम ट्राई कर रहे हैं। और ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है, लंच अपना एंजॉय कर रहा है और हम जो है बर्गर खा रहे हैं। वो बॉइल्ड राइस खा रहा है क्योंकि डाइटिंग पे है वो, हम डाइटिंग पे नहीं है इसलिए हम बर्गर खा रहे हैं। हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस आ गए हैं और ये उसी एरिया में है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे और भी डिफरेंट कंपनीज के जो हैं वो वेयर हाउसेज बने हुए हैं और ये आप राइट साइड पे देख सकते हैं अमेज़ॉन का ये पूरा वेयर हाउस है और ये दूसरी कंपनीज के भी यहाँ पे वेयर हाउसेज हैं। ये हम पहुँच चुके हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस, राइट साइड पे देख सकते हैं ये सारे के सारे अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इनका ये वेयर हाउस है और ये जैसे कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन लिखा हुआ है, ये आपको नाम भी नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये बस यहाँ हम अभी पार्किंग लगाएंगे और हमारे पास जो हमारा माल है वो हम जमा करवाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँच गए हैं और ये आपने ड्रेस में मेरा थोड़ा सा चेंज देखा होगा, बिल्कुल ये इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस है, यानी कि आपके शूज़ लाजमी होने चाहिए और ये सेफ्टी एक जैकेट होती है, ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जब भी आप अपना अमेज़ॉन के वेयर हाउस आते हैं और जमा करवाते हैं तो आपके पास ये सेफ्टी जैकेट और शूज़ लाजमी होने चाहिए। ड्रेस तो पेंट हो कुछ भी हो वो चल जाएगा, मगर ये दो चीज़ें आपके पास यहाँ लाजमी होनी चाहिए, एक सेफ्टी जैकेट और एक आपके क्लोज शूज़ होने चाहिए क्योंकि इसके बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये एक सेफ्टी इन्फॉर्मेशन थी कि जो कि आपको हमने देनी थी अमेज़ॉन के। और अभी हम अंदर चलते हैं और अपना माल की एक इनकी अपॉइंटमेंट होती है वो हम पेपर वहाँ से साइन करवा के वो ओके करवाएंगे, फिर ये अपने वेयर हाउस में अंदर जाने देंगे। मगर अंदर वीडियोज़ ये लोग अलाउ नहीं करते तो हो सकता है हम अंदर की वीडियोज़ ना बना सकें। तो अभी अंदर चलते हैं कंटेनर में जहाँ से हमें परमिशन मिलेगी अंदर जाने के लिए। ये अभी हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर थे, ये गाड़ी के अंदर से बैठ के बना रहे हैं क्योंकि बाहर अलाउ नहीं है कैमरा यूज़ करना। तो ये हमने अपना पार्सल अभी जमा करा दिया है और अभी हम बाहर निकलने लगे हैं। व्यूअर्स आपका आज का, हाँ तो व्यूअर्स आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ये आज हमारी एक डेली की रूटीन थी, अमेज़ॉन हम गए तो हमने कहा कि चलें आपको इसको ब्लॉग की शक्ल में आपको दिखाते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो अमेज़ॉन पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और यह काम करना चाह रहे हैं, तो सवाले से अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो वो आप कमेंट्स में हमें बता दें तो हम आपको उसका रिव्यू दे देंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर एक नए ब्लॉग के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामुअलैकुम।